बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं माशाल्लाह बहुत सही है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझती है कि यू नीड टू वर्क स्मार्ट, और ख़ासतौर पर रिसर्च के हवाले से आई एम श्योर बहुत सारी बच्चियाँ बच्चे हैं यहाँ पर जो थीसिस करेंगे, तो उस पर मैं खुद एज ए सुपरवाइज़र बहुत सारे थीसिस सुपरवाइज करवाई, तो मैं हमेशा यही एडवाइस करती थी कि जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट कोई प्लान करते हैं तो अक्सर हमने देखा है बच्चों को बड़ी जल्दी होती है रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने की, और बस छूटते ही उनका ख्याल होता है कि वो कोई प्रैक्टिकली काम शुरू कर दें। अच्छा टाइम दें पहले सोचने पर कि क्या ऑलरेडी रिसर्च है जो हो चुकी है, और फिर उसके ऊपर आप क्या बेहतरी ला सकते हैं और किस तरह आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट अपना प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इनिशियली अच्छा टाइम दे के रिसर्च प्रोजेक्ट अपना प्लान किया है तो फिर शायद थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने से भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिल जाए। लेकिन अगर आप बगैर प्लान किए हुए जस्ट प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और ढेर सारा काम कर लेते हैं, बाद में रोते रहते हैं कि ये पब्लिश भी नहीं होता, लीव अलोन यू नो कमर्शलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, तो उसके लिए जाहिर है कि अगर आपने पहले अपना माइंड अप्लाई किया है, यू हैव दी यू नो बैकग्राउंड नॉलेज जो लिटरेचर से ले है, उसके बाद अच्छा सा प्रोजेक्ट आप प्लान करके करें तो बहुत थोड़ी रिसोर्सेज और टाइम के साथ आपको बहुत बेहतर आउटपुट मिल सकता है। जहाँ रिसर्च का एक मकसद यकीनन आजकल पब्लिकेशन से बन गया है, लेकिन असल मकसद तो उसका ये है कि आप इनोवेशन करें ताकि आप कोई नई चीज़ निकाल के लाए, और उसकी फिर ऑब्वियसली जैसे कहा गया कि कमर्शलाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज़ द फ्यूचर, और ख़ासतौर पर मैं बच्चियों के हवाले से समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द एबिलिटी, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टुवर्ड मेल, बट आई फील कि ख़वातीन में ख़ासतौर पर जो क्रिएटिविटी जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इट्स वेरी रेलिवेंट इन द सेंस ऑल्सो के यू बिकम बॉस ऑफ योर सेल्फ रादर देन कि आप एक सेट स्टैंडर्ड ऑफिस के अंदर काम करें, तो उससे आपको बहुत सारे सहूलतें मिलती हैं एज अ फीमेल अपनी वर्क फैमिली बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी, और आपके पास बहुत लिबर्टी होती है काम करने की। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है रेगुलेशंस भी इम्पॉर्टेंट है कि इनोवेशन हमारी तभी तक इफेक्टिव हो सकती है कि जब एक प्रॉपर रेगुलेशंस हो, रूल्स हो जो कि जिनको फॉलो किया जाना ज़रूरी भी है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ कभी रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से इनोवेशन में वो हर्डल बनते हैं। तो मैं ज़्यादा तौर पर समझती हूँ कि जब भी इस किस्म के खासतौर पर एंटरप्रेन्योरशिप और इसके हवाले से जो रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए बॉडीज, उसमें एंटरप्रेन्योर्स को शामिल होना चाहिए ताकि उनको पता हो कि एंटरप्रेन्योर्स की क्या नीड है, और उसके अकॉर्डिंगली उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए वैसे रूल्स बनाए जाएँ जिसमें उनको इनोवेशन की वो स्पेस भी मिले और उसके साथ जाहिर है जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है वो भी इफेक्ट ना हो।